الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون قابل احترام فضيلة الشيخ محمد مختار مدني حفظه الله ديگر أهل العلم میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام مار अलरबाउ नविया की अदीस का हम मताल कर रहे हैं और छत्तीस हदीसें इससे पहले हो चुकी हैं और आज इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हदीस नंबर सैंतीस और अड़तीस का हम मताल करेंगे इन हदीस नंबर सैंतीस का कानवान नेकी और गुनाह के सिलसिले में अल्लाह का फल और अदल इस पूरी हदीस का जो हासिल है यानवान है वो ये कि अल्ला रब्लम के हाँ नेकी और गुनाह के बारे में अजर सवाब का क्या क़ायदा है और इंसान की नीयत और उसके अमल के तल्ल से अल्लाह के यहाँ क्या असूल और वाबिता है इस हदीस को समझने के बाद हमें इस बात का एहसास होगा कि कोई इंसान अगर आख़रत में हलाक होता है तो यकीनन वाकई वो इस बात का हक़दार था कि हलाक हो वाकई वो इस लायक था कि हलाक हो वनला रबालमीन ने इंसान की नजात के लिए इतनी आसानी कर दी है कि खैर का तलब यकीन फलाह पा सकता है आइए देखते हैं हदीस के अल्फाज क्या हैं और उसके मानी और उससे मतलब मबास क्या हैंबन अब्बास रद्लुमासूल सल्ला वालम फ़ीमा यरव रबी ही तबार काला قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم, فلم يعملها

अपने रब तबार को तआला से रिवायत करते हैं सहाबी रसूल से और रसूल अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं ये हदीस कुदसी है हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अल्लाह ताला से रिवायत करें वैसे तो सारा इल्म अल्लाह के रसूल वसल्लम का अल्लाह की तरफ़ से आया है लेकिन बाज़ रवायात ऐसी होती हैं कि अल्फाज नबी करीम सलील वम के होते हैं लेकिन उसमें आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यूँ फ़रमाया अल्लाह ताला ने यूँ कहा तो अल्लाह रबुलामी के बारे में जो हदीस हो और अल्लाह का कलाम उसमें हो अल्लाह का कौल उसमें हो जो नबी करीम सल्ला वम अपने अल्फ़ में रिवायत करते हों ऐसी हदीस को हदीस खुदी कहते हैं हदीस खुदी और क़ुरन में फ़र्क़ है कुरान के हर हर्फ पर एक नेकी और उसका दस गुना है लेकिन हदीस खुदी के बारे में इस तरह का कोई वादा या फ़ीलत नहीं आई उसका सवाब अपनी जगह है पढ़ने का लेकिन ये सवाब क़ुरान के साथ खास है लिहाजा वो कुरान नहीं है इसी तरह से कुरान की तिलावत नमाज में की जा सकती हदीसी खुदी की नहीं इसी तरह से क़ुरान में सही और ज़ीफ़ का मसला नहीं है लेकिन हदीस खुदी में सही भी होती हैं और ज़ीफ़ भी होती हैं इसी तरह से तहारत के जो अहकाम कुरान के साथ हैं वो हदीस कुदसी के साथ नहीं है इसका इल्तज़ाम किसी दलील से साबित नहीं है तो ये हदीस कुदसी है और इसकी अहमियत इस एतबार से होती है कि अल्लाह आलमीन का कौल और अल्लाह की बात इसमें बयान की जाती है जो बंदों को मज़ीद बताने के लिए होती है कि अल्लाह की बात है तो उसकी अहमियत और ज़्यादा उसकी बढ़ जाती है तो इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तुमा रसूल अक्रम सला वलम से और आप अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताली ने फ़रमाया इन अल्लाह हसनत व सयाच मबै न दालिक अल्लाह ताली ने नेकियों और गुनाहों को लिख दिया फिर उसे बयान भी कर दिया फमन हम अब फलम यामल हा तो जो शख्स नेकी का इरादा करे नेकी की नीयत करे और वो नेकी न कर पाए या नेकी न करे का तब्लू हसनतन कामिला अल्लाह ताला अपने हाँ उसके लिए एक नेकी कामिल नेकी लिख देता है व इन हम मबिहा वमी हा का त तब्ल आज वजल इंदू अशर हसनातिन इला सब उदिन इलादिन लेकिन अगर वो नीयत करने के बाद अमल भी कर ले तो अल्लाह अपने पास उसके लिए दस नेकियों से लेकर सात सौ नेकियों तक बल्कि कई गुना और भी ज़्यादा अल्लाह ताला उसका अजर सवाब लिख देता है दस गुना से सात सौ बल्कि उससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा व इन अब सैचिन फलम यामल है और अगर वो नीयत करे गुनाह की नीयत करे बुराई की नीयत करे पहले नेकी की नीयत की अगर कोई बंदा गुनाह की नीयत करे फलम यामल है लेकिन वह गुनाह ना करे क तबल्ल हसन तन कामिला तो अल्लाह ताला अपने यहाँ उसके लिए एक कामिल ने की लिख देता है व वह इनहम अबिहामिल क तब्लु सैया ताहिदा और अगर वो गुनाह का इरादा करें और गुनाह कर जाएं तो अल्लाह ताला अपने यहाँ उसके लिए सिर्फ़ एक गुनाह लिख देता है इमाम अबुखारी और मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को रिवायत किया है अपनी सही हैद में इन अल्फाज के साथ में इस हदीस में चार हालतें बंदे की बयान की गई हैं एक हालत नेकी दो हालतें नेकी के बारे में हैं दो गुनाह के बारे में एक सूरत नेकी के बारे में कि नीयत करे लेकिन नेकी न कर पाए या न करें और दूसरी सूरत है कि नीयत के साथ साथ अमल भी करें गुनाह का मामला भी ऐसे ही है कि गुनाह का इरादा करे लेकिन गुनाह का इरादा करने के बाद गुनाह का इरादा छोड़ दे गुनाह ना करे दूसरी सूरत यह है कि इरादा गुनाह का करे और गुनाह कर जाए गुज़र जाए उस पर से गुनाह कर बैठे तो इन चार सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या मामला बंदे के साथ है नेकी और गुनाह कैसे उसके लिए लिखा जाता है ये इस हदीस में बयान किया गया है और ये बड़ी अजीम शान हदीस है जिसमें बहुत सारी बातें सीखने की हैं हदीस के अल्फाज हैं इन अल्लाह कतबल हसनाती वालिक पहला टुकड़ा हदीस का है अल्लाह ताला ने नेकियों और गुनाहों को लिख दिया फिर उसे बयान भी कर दिया यहाँ लिखने और बयान करने की बात ज़िक्र की जा रही है लिखना कैसा है और बयान करना कैसा है क्या माना है शेख इब्न उसमिन रहमल फ़रमाते हैं कऊल हो क तबा अ तबा तबावा क्या लिखा अल्लाह ने नेकी और गुनाह के बारे में अल्लाह ने क्या लिखा दो चीज़ें लिखी एक उसका वक़ु लिखा जैसे बंदा क्या अमल करेगा अल्लाह को मालूम है अल्लाह ताला ने सारे लोगों की तकदीर पहले से लिख दी है उनके पैदा होने से पहले आसमान और ज़मीन के बनने से पचास हज़ार साल पहले बल्कि बंदा जब एक बच्चा जब माँ के पेट में रहम में उसमें रूह आती है जान डाली जाती है तभी भी फ़रिश्ता उसके लिए लिखता है कि वो क्या क्या अमल करने वाला है कि वो नेकी करेगा या गुनाह करेगा जो भी उसका अमल होता है वो लिखता है तो ये अल्लाह तो के अमर से होता है तो अल्लाह रब्बुल रब्लमी ने बंदे के आमाल लिख दिए हैं उनका वक़ू क्या क्या होगा और वक्त तबाह और अल्लाह ताला ने उसका सवाब भी लिख दिया है फरमाते हैं वक़ूहा वक़ूह फ़फ़ी अल्लामहफूज आमाल और बंदे के जो नकियाँ और गुनाह हैं जिनका वक़ू होना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको लौह महफूज़ में लिखा है वह अम शवाबा फ़बीमा दल आल शऱ् और जहाँ तक के सवाब का मामला है तो जो शरीयत जिसकी रहनुमाई हमारी करती है कुरान और सुन्नत से जो चीज़ साबित होती है अल्लाह ने उसको लिख दिया है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमको बताया गया कि कौन सी नेकी का सवाब कितना है तो शरीयत में इसकी तफसीलात मौजूद हैं शरुलारबैन में ये बात शेख हुसैमिन ने कही है शेख साल आल शेख कहते हैं यानी कतबहा इंदा इंद हो फ़ब्ब्य न हाफिल कुरान अल्लाह ताला ने अपने यहाँ नेकी और गुनाह का मामला लिखा क्या नेकी, क्या गुनाह क्या हलाल क्या हराम क्या सवाब, क्या गुनाह किस चीज़ पर भलाई की कौन सी चीज़ बुरी है और फैन न कुरान फिर इसे कुरान में बयान कर दिया इजमाली तौर पर और सुनत में तफसली तौर पर

कि क्या अमल करने से नेकी लिखी जाएगी क्या अमल है जो गुनाह वाला होगा क्योंकि अमाल तो अमाल हैं अच्छे बुरे की तमीज़ बंदा ख़ुद से नहीं कर सकता है जैसे एक इंसान अगर तिजारत में नफ़ा कमाए तो उसके लिए हलाल है और अगर वो तिजारत में सूद ले सूद का मामला करे तो उस पर गुनाह है तो बजाहिर अमल एक ही है ये क्या नेकी है क्या गुनाह है क्या हलाल है क्या हराम है एक इंसान का मस्जिद की तरफ़ चलना और शराब ख़ाने की तरफ़ चलना 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 है अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि कौन सा अमल जो बंदे से शादिर होने वाला है वो भलाई शुमार होगा और कौन सा अमल है जो गुनाह शुमार होगा बंदा ख़ुद से नेकी और गुनाह का फ़र्क मालूम नहीं कर सकता है अल्लाह रबुलमी ने ख़ुद इसको लिखा और बयान किया है कि बंदा मोहताज है नेकी और गुनाह की मारफ़त के लिए अल्लाह रबालमीन के इल्म का जो रसूल के ज़रिए से दिया जाता है ये पहली बात हमको जानना ज़रूरी है तमी कहते हैं बैनदा इसको अल्लाह ताला ने बयान कर दिया इसमें एक माना ये भी है कि बदले का मिनलमलाकथी हत तयफू हो अल्लाह दिया एक तो सारे बंदों के लिए रसूलों की मारिफत लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए भी बयान कर दिया ताकि वो उसको पहचान ले कि बंदा कौन सा अमल करे तो उसको नेकी के खाने में लिखा जाए और कौन सा अमल करें तो उसको गुनाह के खाने में लिखा जाए वस्तगनों भीस्तफ़रूफ़ी खुल वक्त इनका फैक्टू न हो यानी फ़रिश्तों को बता दिया कि कौन सा अमल बंदा करे तो नेकी लिखना है कौन सा बंदा अमल करे कौन सा अमल करे तो उसके लिए गुनाह लिखना है ताकि फरिश्ते मुस्तगनी हो जाएँ हर अमल के बारे में अल्लाह से पूछना न पड़े कि अल्लाह इसको हम नेकी लिखें, के लिखें। तो बई अनादा लिका में एक तो इसका बयान और इसकी तबयीन इसकी वजाहत बंदों के लिए है रसूलों की मार्फ़त से ताकि वह अमल करें जानें नेकी और गुनाह के फ़र्क को लेकिन इसी तरह से अल्लाह ने बयान कर दिया फ़रिश्तों को भी फ़रिश्तों के सामने भी फ़रिश्तों के लिए भी ताकि वो जान लें कि बंदे के किस अमल को कहाँ लिखना है जो दो फरिश्ते उसके नेकिया और बुराइयों को लिखने वाले होते हैं तो इनके लिए भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया तो इसमें यानी ये इल्तिज़ाम अल्लाह की तरफ़ से है बंदे के आमाल का जब अल्लाह ने इतना इंतज़ाम उसके लिए किया है तबयीन का और उसके लिखने का तो बंदे को भी चाहिए कि वह अपने आमाल के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मोहतात रहे वो देखे कि उसका अमल उसके मुस्कबल को तय करने वाला है या तो वो जन्नती बनेगा या तो जहनमी लिहाज़ा जब अल्लाह ने इतना इंतज़ाम किया है तो वह अपने अमाल के बारे में बेफ़िक्र ना हो लापरवाह ना हो बल्कि अपने हर हर अमल का मुराकबा करें देखे कि मैं क्या अमल कर रहा हूँ फलतान वनबस मक़द मत अल्लाह ने कहा हर एक देख ले कि कल के लिए उसने क्या आगे भेज रखा है मालूम कि आदमी को अपने अमाल का महासभा भी करना चाहिए और इसी में उसकी असलाह है इसी में उसकी निजात है आगे बढ़ते हैं फमन हम अभी हसनतिन फ़ल यामल है क तबल्ला हो इंदनाता कामिला ये अल्लाह का फल है कि एक बंदा जो बंदा नेकी की नीयत करता है लेकिन वो अमल नहीं करता है कह तबल्ला हो इंदनाता कामिला अल्लाह ताँ उसके लिए कामिल नेकी का स्वाब लिख देता है मालूम हुआ किलब का अमल भी अमल शुमार होता है और सच्ची नीयत भी अल्लाह के यहाँ अजर सवाब के अतबार से अमल के काय मकाम हो जाती है लिहाजा मोमिन को चाहिए कि ने, नेकी की नीयत के बारे में वकील ना हो कहाँ होगा मुझसे नहीं हो सकता मुझसे नीयत तो करे, हो सकता है आज न सही अल्लाह कल उसको तोफ़ी दे आज मुश्किल हैं कल आसानियाँ पैदा करें आज माजूर है कल अल्लाह ताला इम्कान पैदा कर दे तो यहाँ बताया कि जो निकी की नीयत करे लेकिन ना करें अमल अमल न करना कई अतबार से हो सकता है कि एक आदमी आज उसने नीयत की लेकिन कल वो माजूर हो गया नहीं कर पाया हज का इरादा किया था या फुला अमल का इरादा किया था लेकिन नहीं कर पाया दर्स में जाने का इरादा किया था लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पाया या इसी तरह से उसने नीयत तो की थी लेकिन भूल गया तो किसी उज्र की वजह से या भूलने की वजह से या इसबाब की फराहमी न होने की वजह से अगर आदमी अमल न कर पाए तो ऐसा आदमी अल्लाह के यहाँ उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है इसलिए कि उसकी नीयत सच्ची थी इसकी कई मिसालें हमारे सामने दीगर अदीस में भी मिलती है। हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मन अत फराशा हो वनवी एकूमूसलिमिन जो आदमी अपने बिस्तर पर आए और उसकी नीयत थी कि वह रात में क़्यामलैल के लिए बेदार होगा वह रात में तजुद पढ़ेगा फ़ल अब हुना हो हता अस पहा खोती बलवा व का न न न न आपने फरमाया कि उसकी उसकी वो नींद से मगलूब हो गया उसकी आँखें यानी वो वो खुली नहीं बेदार नहीं हुआ यहाँ तक कि सुबह हो गई यानि फजर का वक्त हो गया तहाजद का वक्त निकल गया तो आप फरमाते हैं कोती बल मानवा जो कुछ नीयत उसने की थी ज़रूर उसको सवाब मिलेगा लिखा जाता है यहाँ लिखने का ज़िक्र हो रहा है व का न न न रबी ही और उसकी नींद उसके रब की तरफ से उस पर सदक़ा है अल्लाह ताला ने उसकी नींद को उसके लिए क्या कर दिया सदक़ा कर दिया इमाम इमामसाई इब्न माजा और इबन हिब्बा ने इसको रिवायत किया है और सही तरगीब हदीस नंबर 21 पर शेख अलबानी ने इसको हसन सही कहा है इस हदीस से मालूम होता है कि नफल इबादत का इरादा आदमी ने किया लेकिन नींद की वजह से वो मगलूब होकर उस हमल को नहीं कर पाया नीयत सच्ची थी नीयत की वजह से ही उसको सवाब मिलेगा अगरचि अमल नहीं कर पाया और उसका सोना और उसका आराम करना अल्लाह की तरफ से उस पर सदका है इसी तरह से आप देखें फ़रज़ के सिलसिले में नमाज़ जमात की नमाज के सिलसिले में आप देखिए यही बात अल्लाह के रसूल वसल्लम ने बयान की आपने फ़रमाया मंतव अफाहना वह सराह जो आदमी वज़ू करे और अच्छा वजू करे कामिल वज़ू करे सराह फवाजन्नासत फिर वो मस्जिद गया तो उसने देखा कि लोग नमाज से फ़ारग़ हो चुके हैं फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ हो गई पहुँचने तक नमाज़ ख़त्म हो गई सलाम फेर दिया इमाम साहब ने आता हुज़ मिसल अजरम्ह रहा अल्लाह ताली उसको वो वह स्वाबता करता है उसकी तरह उनकी तरह वाबा करता है जिन्हों जो उस नमाज के लिए हाजिर हुए और उन्होंने नमाज़ भी अदा की मस्जिद में आए और जमात से नमाज पढ़ी इस देर से आने वाले को जिसकी नीयत सच्ची थी अल्लाह उसका सवाब वो सवाब अता फ़रमाता है उनकी हावरी का और उनके जमात से नमाज पढ़ने का लायनकमिन अज रही शैया हाँ लेकिन वो जो लोग थे जिन्होंने नमाज पढ़ी जमात के साथ में उनके अजरमे से कोई कमी नहीं की जाएगी इसको हम थोड़ा आगे जा के कि बहुत अहम नुक्ता है जो बहुत सारे इश्क़ को ख़त्म करता है जो बाज़ अहदीस में फ़ज़ाइल के आते हैं बहुत अहम चीज़ है उसको हमको समझना है इमाम अहमद अबू दाऊद नसी और हाकिम ने इसको रिवायत किया है और सै जाम सगीर में हदीस नंबर छः हज़ार एक सौ तिरसठ पर शेखलबानी ने इसको सही कहा है एक और हदीस हम देखते हैं अच्छी बुरी नीयत जहाँ अच्छी नीयत का मामला है वहीं बुरी नीयत का भी मामला है आइए देखते हैं अल्लाह के नबी सल्ला फरमाते हैं इन नमत दुनियाली अरबाइति नफर दुनिया में चार किस्म के लोग होते हैं दुनिया में चार लोगों का आदमी चार में से एक हाल में होता है अब दिन रज़क़ल मालन व विल्म एक तो वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने माल भी दिया और इल्म भी दिया फ़ोइ तकीफी ही रबा हो तो वह अपने माल के सिलसिले में अपने इल्म के बाद में अल्लाह तब से, से डरता है परहिजगारी की राह अख्तीयार करता है व यसलो युफ़ी ही राहिमा हूँ और अपने माल से रिश्तेदार रिश्ते नाते जोड़ता है उन पर एहसान करता है लुटाता है व याम्हाफ़ी हक़ कन और अपने माल में अल्लाह के हक़ को भूलता नहीं जानता है याद रखता है अपने माल में से ज़क़़त अदा करता है फ़ुकरा खर्च करता है अहलआयाल की जिम्मेदारी निभाता है हकूक़ अदा करता है फादा बफ दलीमनाजिल ये आदमी सारे लोगों में सबसे आला मरतबे पर है वह अब दिन रज़ कामन वलम युक् मालन दूसरा बंदा वो है जिसको अल्लाह अल्ला ने इल्म दिया लेकिन उसे माल नहीं दिया फ़हआ साद कदन लेकिन उसका हाल ये है कि वो अपनी नीयत में सच्चा है क्या नीयत है उसकी यक़ोअली मालन लमिल तो ब्या वो कहता है कि अगर मेरे पास माल होता या अगर मुझे माल मिल जाए मैं फ़लाँ की तरह नकियाँ करूँगा फ़लाँ आदमी जो भलाई के काम करता है मैं भी वैसे काम करूँगा फ़ अभी नीयत ही बस अल्लाह के यहाँ उसका मामला उसकी नीयत के मुताबिक है फ़ःर हम सवा तो इन दोनों का अजर बराबर है पहला वो जो माल दिया गया इल दिया गया और माल में हक अदा करता है हकदारों का और माल में सही अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है दूसरा ये माल नहीं है लेकिन उसका इल्म सही है लिहाजा उस इल्म की बिना पर उसकी नीयत भी अच्छी है वो जानता है कि कैसी नीयत करना चाहिए तो उसकी नीयत की वजह से अल्लाह रबी ने उसको सवाब देगा और फरमाते हैं कि उसका मामला उसकी नीयत के मुताबिक है और दोनों का अजर बराबर है इसमें थोड़ा शुभ आगे जाके के हम इसकाल देखेंगे उसको इन व वाब दिन रज़ल माल वमयर जुख विल्म तीसरा बंदा वो है जिसको अल्लाह रबालमीन ला ने माल दिया लेकिन इल्म नहीं दिया उसका इल्म सही नहीं फवाबियतो फ़ी माल ही बग़ैर इल तो वह अपने माल में इल्म के बगैर ही गलत तसरफ करता है माल में गड़बड़ करता है गलत इस्तेमाल करता है उसका ला य तकीफ़ी ही रबा हो वला या सलोफ़ी ही राहमा हो अपने माल के सिलसिले में वो अल्ला रबालमीन के हकम के मुताबिक परहेज़गारी का रास्ता नहीं अपनाता तकवा वाला रास्ता नहीं अपनाता अल्लाह से डरता नहीं माल के बाब में और न ना रिश्ते नाते जोड़ता है उस माल के जरिए से एहसान करके वाला फ़ी हक्कन और उसमें अल्लाह के हक को पहचानता नहीं फहादा बेअ बस मनाजिल ये सबसे बदतरीन मकाम पर है इसका दर्जा अल्लाह के यहाँ सबसे बदतरीन है वन लम यर मालन वला इल्मा चौथा वो है जिसको अल्लाह ताला ने ना माल दिया ना इल्म दिया नफ़ा बख्श इल्म उसको नहीं दिया हो सकता दुनिया का बहुत कुछ जानकार हो फ़ूल लऊअली मालफ़ी अमली फ़लान ये आदमी कहता है कि काश के मेरे पास माल होता या अगर मेरे पास माल होता तो मैं इस अयाश की तरह बुरे आदमी की तरह जो अपने माल में ग़लत तसरफ करता है मैं भी ऐसा करता मैं भी फिल्में देखता मैं भी जो है गलत काम करता शराब पीता जुआ खेलता वगैरह वगैरह तो वो दूसरे को देख रहा उसकी अयाशी को गुनाहों को और सोच रहा है कि काश मेरे पास माल होता तो ये गुनाह मैं भी करता ये है मैं भी उड़ाता फहु अभी नीयत ही तो अल्लाह के हाँ उसका मामला उसकी नीयत ही के मुताबिक होगा फविज रम सवा और दोनों का गुनाह बराबर है जो अमल उसने बुराइयाँ उसने की और ये जो नीयत कर रहा है फविज रम सवा इन दोनों का गुनाह बराबर है इस हदीस को इमाम अहमद और तिरमिदी ने रिवायत किया है सै जाम शग़ी हदीस नंबर तीन हज़ार चौबीस अलबानी ने इसको सही कहा है यहाँ ये चार लोग हैं इल्म माल तो इल्म और माल दोनों दिया गया तो इल्म के ताबे अपने माल का तसरफ करता है इल्म के मुताबिक सही इल्म के मुताबिक खर्च करता है सबसे आला मंजिल उसके बाद वो जो माल में उसके पास माल नहीं है लेकिन इल्म है उसके पास नीयत अच्छी है मुजरद उस नीयत की बुनियाद पर उसको सवाब मिलेगा काश के मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा करता तीसरा माल भी है लेकिन इल्म नहीं है और उसका इल्म बिगड़ा हुआ है लिहाजा उसकी नीयत भी बिगड़ी हुई है और उसका अमल भी बिगड़ा हुआ है वो अपने माल में ग़लत तसरुफ करता है ये बदतरीन मकाम पर है और चौथा वो जिसके पास माल भी नहीं और इल्म भी नहीं है तो वो आदमी उस मालदार को देखता है जो गुनाहगार है और उसकी अयाशियों को देख के चाहत करता है कि काश माल होता तो मुझे भी लजतें मिलती इस आदमी को भी गुनाह होगा उसकी नीयत की वजह से अगरच वो वो सारी अयाशियाँ नहीं कर पाया तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि नीयत का मामला जहाँ नेकियों में है वहीं गुनाह में भी है एक आदमी मजरद नीयत की बुनियाद पर सिर्फ नीयत की बुनियाद पर हकदार बन सकता है वहीं वह आदमी बुरी नीयत की वजह से गुनाह का भी हकदार बन सकता है लिहाजा अपने इरादों को सही करना भी ज़रूरी है वैसे ही जैसे अपने आमाल को सही करना ज़रूरी है इस सिलसिले में एक शबा पिछली हदीस से भी और इस हदीस में भी पैदा होता है वो ये कि वह आदमी नमाज के लिए गया और देर से पहुँचा जमात हो चुकी है उसको भी वही सवाब मिलेगा जो नमाज पढ़ने वालों को मिला वो लोग तो बेचारे आके इतनी मेहनत किए मुजाहदा किए और वो भी बराबर ये भी बराबर ये मुजरद नीयत की वजह से और वो सब अमल करके भी दोनों में कोई फ़र्क नहीं और माल वाला भी है मिसाल के तौर पर माल खर्च कर रहा है इतना मेहनत से कमाता है लोगों पर ख़र्च करता है और एक आदमी न कमाया न ख़र्च किया बस नीयत की बुनियाद पर वो मकाम उसने पा लिया उतना सवाब उसको मिल गया तो क्या अमल करने वालों के लिए इसमें सुस्ती का पहलू नहीं निकलता कि हम खाली नियति करें क्यों अमल करें नहीं आप देखेंगे कि इसमें हदीस में बताया गया है कि पहला जो है सारी मंजिलों में सबसे आला मंजिल पर है और गुनाह करने वाला माल को ग़लत इस्तेमाल करने वाला ये बदतरीन मकाम पर है तो इन दोनों को आला और बदतरीन दोनों करार दिया गया यानी अमल करने वालों को है कि अमल करने वाला और नीयत करने वाला दोनों में फ़र्क़ है चाहे वह नेकी के अतबार से हो या गुनाह के अतबार से हो इसीलिए इब्न फरमाते हैं इस हदीस की शर में हो फहु फिल अजर स्वा ये बहुत अहम नुकतः इसको याद रखिए ये बहुत सारी अहदीस में जो इश्काल पैदा होता है उस इशाल को दूर करता है फरमाते फाहु फिल अजर सवा अला इस्तीवा फी असली अजरल अमली दू न कहते हैं अजर में बराबर हैं मालूम है कि कहते हैं कि असल अमल में अजर जो मिलता है उसमें बराबर हैं लेकिन जो अमल करने वाले को कई गुना अल्लाह देता है ये इसको नहीं मिलेगा एक आदमी नीयत किया फ़लानेकी उसको उस अमल का जो सवाब अल्लाह के यहाँ मुकदर है वो सवाब मिलेगा लेकिन नियत करने वाले को उसका एक अमल का सवाब मिलेगा लेकिन जो आदमी अमल किया है उसको वो तो मिला लेकिन अल्लाह उसको कहाँ से शुरू करता है दस गुना से शुरू करता है वह दस गुना इसको नहीं मिलेगा तो अजर का हकदार ये भी है और वो भी है लेकिन दोनों में जाहिर बात है तफादल तो होना ही है दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं अल्लाह के यहाँ आदल का मामला है तो अल्लाह रबालमीन उनको उनके अमल के मुताबिक कई गुना करके भी देगा लेकिन इसको कई गुना नहीं मिल सकता है लेकिन एक अमल का स्वाब मिलेगा ऐसी कई हदीसें हैं जिसमें जैसे जमात के लिए भी गया वो बेचारे आए जमात से नमाज पढ़े इतना सर्दी में ठिठर के आए और सब कुछ किया और वक्त पर आए जल्दी की उन्होंने और वक्त पर पहुँच के पढ़ी और ये देरी से आके भी उसका स्वाब मिला जबकि जमात पाई नहीं उसने तो इसको जो स्वाब मिलेगा वो असल जमात का स्वबाब मिलेगा लेकिन एक अमल पर दस गुना से लेकर कई गुना जो बढ़ा के दिया जाता है वो आमिल के लिए है नियत करने वाले के लिए नहीं है इससे कई इश्क़ाला दूर होते हैं जो बहुत सारी हदीसों में हम देखते हैं फुला अमल पर हज का स्वाब मिलेगा तो आदमी सोचता है फिर जो हज को जा रहा है उसको क्या मिलेगा उतना मेहनत करो उतना मुजाह करो इतना खर्च करो हज का स्वाब और इस आदमी को घर बैठे हज का स्वाब मिल रहा है तो ये हदीस सही नहीं हो सकती बाज़ात लोग इस तरफ भी चले जाते हैं याद रखें उसको असल हज का सवाब मिलेगा एक हज जो होता है या जो भी अमाल आ रहे हैं ग़ुलाम खर्च कर सदका करना या आज़ाद करना या इतना माल खर्च करना वग़ैरह वगैरह जितने भी अमाल हैं असल अमल का सवाब उसको मिलेगा लेकिन आमिल को दस गुना से ज़्यादा सात सौ और उससे भी ज़्यादा मिलेगा नीयत करने वाले के यहाँ मुदाफ़ा नहीं है कई गुना करना नीयत वाले के लिए नहीं है वो अमल करने वाले के लिए जैसा कि आगे भी आएगा कहते हैं फलम उदा एफ यहा मन अमिल दो नवा हूँ फ़लम यामल हो फरमाते हैं कि कई गुना करने का जो मामला है ये ख़ास है उस शख्स के लिए जो अमल करता है लेकिन उसके लिए नहीं है जो सिर्फ नीयत करता है और अमल नहीं करता है फ इन नुमा लवि लकु तबली हसन वलम यामलहाशर हसनात कहते हैं कि अगर दोनों हर एतबार से बराबर हो जाते दोनों का मामला हर एतबार से बराबर होता तो जो आदमी नीयत करके अमल नहीं कर रहा है और जो नीयत कर रहा है जो आदमी नीयत करके अमल नहीं कर पा रहा उसको भी दस गुना मिलता कहते वह हुआ ख़िलाफ़ उनकुल और ये बात सारी दलीलों सारी नसूस के ख़िलाफ़ है तो इससे एक बहुत अहम बात मालूम हुई वो ये कि नीयत करने वाले को एक सवाब मिलता है लेकिन अमल करने वाले की शुरुआत दस गुना से होती है लिहाजा कोई आदमी यह नहीं समझे मैं नीयत करता रहूँगा और अमल नहीं करूँगा ऐसा आदमी गलती पर है अमल करने वाला आदमी दस गुना पाता है तो अमल करना ज़रूरी है हाँ यह आदमी ये मिसाल के तौर तो पर जैसे तहाजद का मामला है वैसे फ़र्ज का मामला नहीं है मसला एक आदमी तजुद की नीयत किया और रात में लेटा तो नींद उसकी लग गई और आँख नहीं खोली और फजर में उठा तो अब तहाजु तो फ़र्ज थी नहीं फी नफसी ही तो उसके लिए तहाजु पढ़ना लाजिम नहीं अगरचे मुस्ब है कि अपनी जो छोटी हुई इबादत है उसकी तलाफ़ी आदमी करे जैसे रसूल सल्लासम भी करते थे नवाफिल की भरपाई भी बेहतर चीज़ है लेकिन लाजिम नहीं है लेकिन कोई आदमी कहा मैं नीयत करके सुत फज्र की नमाज़ की और आँख नहीं खुली और सूरज निकला और मेरी आँख खुली तो इन शुझे हदीस में तो आया है दलील भी मेरे पास है वो ये कि मैंने जो नमाज़ नहीं पढ़ी फजर की मुझको उसका शवाब मिला पढ़ने की ज़रूरत नहीं ऐसा नहीं है फ़रज़ के बारे में यह है कि उनकी भरपाई करनी पड़ती है चाहे आदमी भूल जाए इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सदीस में फरमाते हैं कि मन्सी अनसलातिन मन्नासलातिन और फल सलह इधा दा कि जो आदमी नमाज़ से सोया रह जाए या नमाज़ भूल जाए तो वो उसी वक्त उसको अदा कर ले फ़ौर जैसे ही उसे याद आ जाए तो मालूम है कि फ़रज़ भूलने के बाद भी साखित नहीं होते उसको अदा करना ज़रूरी है जैसे उसको याद आए नेकी के साथ जैसे आपने देखा कि कायदा था गुनाहों का भी वैसी क़ायदा कि अगर एक इंसान नीयत पर उसका ख़ात्मा हो और बुरी नीयत थी तो ऐसा इंसान अल्लाह के नज़दीक गुनागार है शुबा होता है कि एक इंसान अगर नीयत अमल तो नहीं किया ना गुनाहगार कैसे हुआ नीयत पर मुदावमत और उसी पर खातिमा एक इंसान को गुनाहगार बनाता है हाँ अगर आदमी नीयत करने के बाद रुजू कर ले और अपनी नीयत छोड़ दे गुनाह की अल्लाह की खातिर जैसा कि आगे आएगा तो ऐसे इंसान के लिए नेकी लिखी जाती है इसको हम पहले समझते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकरा रदी अल्लाह फरमाते हैं उनसे रिवायत है कहते हैं कि रसूल अक्रम सरमायादा तवा जहल मुसलिमान बी सईफ़ ही माँ फ़लकातलफिनार जब दो मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने तलवार निकाल कर तलवार सामने लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएँ तोा जहाँ एक दूसरे को फेस करें और एक दूसरे की यानी को पर हमला करने के लिए तैयार हों फल कामकतुल्फन्नार कतिल और मकतूल दोनों जहनम में कत्ल करने वाला भी जहन्म है और जो कत्ल हो गया मकतूल वो भी जहन्नम में काला फकुल तु अकीला या रसूल अल्ला हादलका फमहबालमकतूल फरमाते हैं कि मैंने या किसी और ने कहा कि अल्लाह के रसूल कातिल का तो समझ में आता है जहन्नम में गया कत्ल करने की वजह से मुसलमान को लेकिन मकतुल जहन्नम में कैसे गया मकतुल का कैसे मामला फरमाया साहिबी ही आपने फरमाया उसने भी तो अपने साथी के कत्ल का इरादा किया था एक रिवायत में रिवा साहिबी ही वो अपने साथी को कत्ल करने का हरीस था उसकी भी तो नीयत थी वो भी तो कत्ल करना चाहता था लेकिन वो फेल हो गया और सामने वाला सक्सीड हो गया कामयाब हो गया उसने कारगर हमला किया और ये मर गया अगर इसको मौका मिलता तो ये उसको कत्ल कर देता तो नीयत तो कत्ल की इसकी भी थी अगर वो कत्ल करने की वजह से जहन्नम में गया तो ये अपनी नीयत की वजह से जहन्नम में जाएगा इससे बात मालूम होती है कि अगर गुनाह की नीयत इंसान की हो और उसी नीयत पर उसका ख़ात्मा हो तो वो गुनाह शुमार होता है वो गुनाह शुमार होता है इमाम अल बुखारी ने किताबुल किताबलफ़ितर में इसको रिवायत किया हदीस नंबर सात हज़ार तेरासी और इसी तरह से इमाम मुस्लिम ने भी इसको रिवायत किया है दो पर तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि गुनाह की नीयत भी गुनाह है अगर आदमी उस नीयत को तर्क न करे तर्क करने की दो वजह हो सक तीन वजह हो सकती हैं एक तर्क करना होता है अल्लाह की वजह से दूसरा तर्क करना होता है मखलूक की वजह से तीसरा तर्क करना होता है भूल गया या नहीं करना सोच लिया उसने अगर अल्लाह की खातिर तर्क करता है जैसा कि आगे आएगा गुनाह का इरादा किया लेकिन अल्लाह के डर से नहीं गलत काम है नहीं करना है तो उसने छोड़ दिया लिखी जाएगी अगर मखलूक की वजह से उसने छोड़ा है जैसे मसलन शराब पीने जा रहा था देखा लोग खड़े हैं शराब खाने के करीब ही पहचान वाले लोगों की वजह से उसने शराब नहीं पी ये गुनाहगार है अल्लाह के नज़दीक की, की तहकीक़ इसमें यही है क्योंकि उसने अल्लाह के खौफ़ की, खौफ की बजाय मखलूक की वजह से उस गुनाह को छोड़ा अल्लाह की वजह से नहीं और तीसरी सूरत यह है कि उसने इरादा तो किया था लेकिन छोड़ दिया नहीं करना है मुझको तो ऐसा आदमी या भूल गया गुनाह का इरादा किया लेकिन भूल गया और छोड़ दिया उसने तो कोई आदमी अगर यूं ही छोड़ देता है तो ना उस पर गुनाह है ना उसको नेकी मिलेगी है क्योंकि उसने छोड़ा ये तो अच्छी बात है लेकिन अल्लाह के लिए छोड़ा नहीं तो ऐसा आदमी बस यूं ही छोड़ दिया नहीं करना है मुझको गुनाह इरादा तब्दील कर दिया अपना तो ऐसा आदमी ना उसको नेकी है ना गुना है हाँ अगर अल्लाह के लिए छोड़ा है अल्लाह के खौफ से आखिरत की फ़िक्र से गुनाह को गुनाह समझते हुए छोड़ा है तो ऐसा इंसान अल्लाह के नज़दीक नेकी का मुस्तैक जैसा कि आगे आएगा तो ये हमने देखा गुनाह के बारे में अल्लाह के रसोल सल्ला से फ़रमाते आगे फ़रमाते वह अबिहा नकी के बारे में वन हम अबिहा आमिल्लाजल्लाशनातिन इला सब एम फिन इलाअाफिन कतिया अगर आदमी नेकी की नियत करे नेकी की नियत करें और नेकी करे भी तो अल्लाह ताला अपने यहाँ उसके लिए दस नेकियों से लेकर सात सौ गुना तक बल्कि और भी कई गुना अल्लाह ताला बढ़ाकर उसका सवाब लिख देता है मिनिमम दस है अमल करने वाले के लिए नीयत करने वाले के लिए तो एक लेकिन अमल करने वाले के लिए दस कम से कम है लेकिन अमल करने वाले की मशक्कत, उसका अखलास उसकी इतबा व अब्तः और उस इंसान के सारे मामल वक्त की फजीलत या इसी तरह से जगह की फिलत ये सारी चीज़ें देखते हुए मौका वग़ैरह सब देखते हुए उसकी नेकी की क़दर बढ़ती चली जाती है तो इस एतबार से दस गुना तो है ही है लेकिन वो सात सौ गुना तक भी चला जाता है और बास बंदे ऐसे होते हैं कि सात सौ गुना से भी ज़्यादा उनको सवाब दिया जाता है कई गुना करके कोई हद उसकी नहीं है सवाल है कि क्या सात सौ गुना से ज़्यादा भी हो सकता है हाँ अल्लाह ताला क़ुरान करीम में फ़रमाता है मसलुल्लीफ़िकुनः अमवाफ़ी सबी उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में अपने मालों में से खर्च भलाई के कामों में कमत अली हब्बिन अम बतना बिल्फी कुल सुमबुल हब्बा इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बीज एक दाना ज़मीन में बोया गया तो उसमें से एक जो है यानि सात बालें निकली और उनमें से यानी हर इसमें सौ बीज तो कुल मिला के कितने हुए सात से सौ सात सौ सात सौ दाने उसमें से निकले वल्लाफलिम शाह वल्लिम ये बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला तो वो है जो जिसके लिए चाहें और बढ़ा दें अल्लाह जिसके लिए चाहता है कई गुना कर देता है और अल्लाह ताला बड़ा वासे है वसैत वाला और इल्म वाला है सूरतुलबकर आयत नंबर दो सौ इकसठ बल्कि बाज नेकियों के बारे में तो बदतिन अल्लाह के रसूल सल अल्लासलम ने बतलाया है कि इनका सवाब सात सौ गुना से ज़्यादा मिलता है मिसाल के तौर पर आपने फ़रमाया सलातुन फी मस्जिद हादा खैरुन मिन सिवाहु इल्ला अल मस्जिद अल हराम मेरी मस्जिद में मस्जिद नबवी में एक नमाज अदा करना बेहतर है हज़ार नमाज़ों से जो इस मस्जिद नबवी के अलावा किसी मस्जिद में पढ़ी जाएँ हाँ लेकिन मस्जिद हराम का मामला इससे भी अलग है इससे भी ऊपर है बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है बुखारी में हदीस नंबर एक सौ एक हज़ार एक सौ नब्बे पर और सही मुस्लिम में एक हज़ार तीन सौ चौरानवे है एक और रिवायत में आपने फरमाया व सलातफ़ी मस्... फिल्म मस्जिदी अफवलों में मेअ अल्फलातनफ़ीमा सिवा हो मस्जिद हराम में एक नमाज अदा करना बाकी तमाम मसाजिद के मुकाबले में सौ हज़ार नमाज़ों से अफल है सौ हज़ार कितने हुए एक लाख तो आप देखिए सात सौ गुना से भी बढ़ गया सवाब तो बाज़ क्या ऐसी होती हैं कि जिनका अल्लाह के यहाँ सवाब सात सौ गुना से भी ज़्यादा मिलता है इस हदीस को इमाम अहमद और इबन माजा ने रिवायत किया है शेल जाम सगीर हदीस नंबर तीन हज़ार आठ सौ उनतालीस और इसी तरह से तीन हज़ार आठ सौ अड़तीस शेख अलबा ने इसको सही कहा है तो एक बात दूसरी बात ये मालूम हुई इरादा करके नेकी करना दस गुना से सात सौ बल्कि कई गुना ज्यादा सवाब मिलता है अब गुनाह का देखिए नेकी का हमने देखा दोनों नीयत और अमल गुनाह के बारे में क्या कायदा है वह इन अभी अतिन फलम या अमल हा कतब्ला हसन मिला। अगर आदमी गुनाह की नीयत करे और उस पर अमल न करे तो अल्लाह उसको अपने यहाँ एक कामिल नेकी लिख देता है एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये भी अल्लाह का फद्व कर्म है कि एक बंदा गुनाह की नियत किया अदल का तकाज़ा तो ये था कि उसका मुहासबा हो क्यों नियत किया क्योंकि नियत करना दिल का अमल है तो नियत तो किया लेकिन अल्लाह आलमीन अगर एक आदमी बुरा, बुराई और गुनाह की नीयत करके उसको छोड़ देता है नहीं करता है तो ऐसे आदमी के लिए एक नेकी लिखता है ये नहीं कि छोड़ दिया कोई सज़ा नहीं गुनाह नहीं लिखा जाएगा नियत किया फिर भी गुनाह नहीं यह भी होता तो अल्लाह की तरफ़ से फजल था लेकिन अल्लाह आलमीन सखी है करीम है रहीम है अपने बंदों के लिए अल्लाह ताला ख़ैर का इरादा करता है युरीद्लाबिकुम्युसर वाला यीदुबिकमसर अल्लाह ताला ने बंदों के लिए आसानी का मामला किया है आसानी का इरादा किया है तंगी का नहीं तो अल्ला रबालमी ने गुनाह का इरादा करके उसको तर्क करने पर नेकी का मामला उसके लिए रखा कि नेकी लिखी जाती है लेकिन ये तर्क अल्लाह के लिए होना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फ़रमाते हैं का लतिलमला इकत रबी ज़ा का अब दुका यूरीद अमल सई अचन वह व अब सर वही फ़रिश्ते अपने रब से फरमा रब से कहते हैं अर्ज़ करते हैं कि ए हमारे रब फरिश्ते कह रहे हैं लिखने वाले ये तेरा बंदा है ये बुराई की नीयत कर रहा है युरीद अमल सई अचन ये नीयत कर रहा है गुनाह की वह अबसर भी अल्लाह से कह रहे हैं हालाँकि अल्लाह ज़्यादा उसको देख रहा है बंदे को फ़ाला और कबोह अल्लाह फरमाता है देखते रहो ठहरो उसका मुराकबा करो देखते रहो फ़ इन आमिल हा फ़क तबू हा लहु बिहा अगर वो उस गुनाह का अमल अंजाम दे दे, तो बस उस गुनाह के मुताबिक उसके लिए गुनाह लिख दो उसके अमल के मुताबिक गुनाह लिखो व इन तर कहा फ़क्तबू लहू हसना और अगर वह इरादा करने के बाद भी अपने इरादे को छोड़ दे, गुनाह तर्क कर दे, तो उसके लिए एक ने की लिखो क्यों इन दमा तर कहा इसलिए कि उसने मेरी वजह से उस गुनाह को छोड़ा है ये जो टुकड़ा है, ये उस नेकी लिखने की इल्लत है उसकी वजह है क्यों नेकी लिखी जाती है अल्लाह ताला फरमाता है इसलिए कि वो मेरी वजह से उस गुनाह को मेरी खातिर उस गुनाह को छोड़ रहा है मेरे खौफ से मेरे हुक्म की तामील में और मेरी हदूद के की रियायत की वजह से तो इमाम मुस्लिम ने उसको रिवायत किया है हदीस नंबर एक इस हदीस से बात मालूम होती है कि अगर गुनाह करने वाला उसकी नीयत करने वाला अल्लाह की वजह से छोड़ता है तभी उसके लिए नेकी लिखी जाती वरना नहीं व इन बिहा और चौथी सूरत क्या है व इन बिहा फ़ामिल्ल तब्लु सैनिदा अगर गुनाह का इरादा करे लेकिन गुनाह करे भी तो अल्लाह ताला अपने हाँ उसके लिए अल्लाह ताला उसके लिए एक गुनाह लिख देता है और ने यहाँ पर एक बात कही कहा कि देखो नेकियों के बारे में तो ये कहा गया कि हसनतन कामिला एक कामिल नेकी लिखी जाती है गुनाह के बारे में ऐसा नहीं कहा गया कामिल गुनाह लिखा जाता है बस एक गुनाह लिखा जाता है जो तखफीफ़ का मामला अल्लाह की तरफ से है तो ये ये अलफ़ाज का फ़र्क़ बता रहा है कि बंदे के लिए अल्लाह के यहाँ नेकी का कितना इल्तिजाम है कि अल्लाह कामिल उसमें कोई कमी नहीं करता अल्लाह हालांकि आप देखिए हम जो नेकियां करते हैं गुना तो वैसे भी गुनाई ही गुना है लेकिन नेकियां भी जो हम करते हैं क्या वो कामिल होती हैं उसमें कितनी कमियाँ होती हैं कभी यानी आदमी की के ख़ुशू के अतबार से कभी अमल में यानी यकीन के अतबार से अमल के तकवा के अतबार से नेकियों में कितनी सारी कमियाँ हो जाती हैं गफलत के साथ कितनी सारी नकियाँ हमसे हो जाती हैं लेकिन फिर भी अल्लाह रब्लम बंदे की नीयत की बुनियाद पर और उसके अमल की बुनियाद पर उसके लिए नकियाँ लिखता है और मुजरद नीयत भी अगर उसकी सही है तो कामिल नकिया अल्लाह ताली उसके लिए लिख देता है लेकिन गुनाह के मामले में क्या बताया गया बस एक गुनाह लिखा जाता है तो अल्लाह रब्लम बहुत ही रहम नहायत रहम करने वाला है बड़े फ़ल्ल वाला है बंदे को चाहिए कि अल्लाह की कदर करें और अल्लाह के अवामिर की क़दर करें अल्लाह रब्लमी फरमाता है मंजा अबिल अबिल्हसनतफ़ल हुआशर सलह जो नेकी लेकर आएगा आखिरत में उसके लिए उस नेकी के मिस, मिसल दस गुना है जैसी नेकी थी वैसे ही दस गुना उसको मिलेगा व मनजा अबी सै फ़लायुज़ा ला मतला व हमलाम और जो गुनाह लेकर आया बुराई लेकर आया तो फ़लाँज़ाला मतल जितनी बुराई उसने की उसी के बददर उसको जजा दी जाएगी उसी के मित उसी के मुताबिक उसको जजा यानि सज़ा दी जाएगी व हम लायमून और उन पर म किया जाएगा ये नहीं कि थोड़ा गुना था और बड़ी सज़ा दे दी एक गुना था कई गुना करके सज़ा दे दी नहीं जितना गुनाह उतनी ही सज़ा लेकिन नेकी का मामला कैसा है एक नेकी किया कच्ची पक्की भी थी तभी भी कामिल वाबल्ला उसको देगा बल्कि अमल करने वाले को दस गुना से लेकर सात सौ गुना बल्कि उससे भी ज़्यादा शवाब अल्लाह देगा तो क़ुरान करी में भी अल्लाह ने अल्लाह ताला ने गुनाहों के बाब में कहा कि वह हम लायमोन ला बल्कि नेकियों के बारे में भी अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता है एक इंसान नेकी करे और उसको उसको लिखे ही नहीं या उसका बदला ही ना दे या बदला दे, उसका इनाम दे तो उसकी नेकी से कमतर दे अल्लाह ऐसा नहीं करता है बल्कि अल्लाह की आता हमेशा बंदे के अमल से बेहतर होती है तो युरानाम की आयत नंबर 160 है जिसमें बात बयान हुई है बल्कि ये भी मामला याद रखने का है कि अगर गुनाह कर भी ले बंदा तो ये भी इम्कान बाकी रहता है कि अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ कर दे ये भी तो दरवाज़ा खुला हुआ है ये नहीं कि वाकई अल्लाह उस पर मुआजा करेगा ही अल्लाह अपनी तरफ से माफ भी कर सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यकूल अज्जवजल मन जा अबिलहसनती फलाशर व अजीद के जो कोई अल्लाह ताला खुद फरमाता ये भी हदीस से है कि जो बंदा कोई नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उसके मिसल दस गुना हैं अज़ीद बल्कि मैं और बढ़ाऊँगा मैं और बढ़ाऊंगा वमन जा अबिस सई अती फ़जज़ा उहू सई त मित फ़िर के जो बुराई लेकर आएगा तो उसका बदला उसके ही के मिसल है उसके ही के मुताबिक है जैसा गुना ऐसी सज़ा ज़्यादा सज़ा नहीं जितना गुना उतनी सज़ा अअ फिर लेकिन और या, या ये भी मुमकिन है कि मैं उसकी मफफ़रत करता हूँ या तो मैं सजा दूंगा गुना लिखूंगा या मैं मफ़रद भी कर दूंगा तो ये नहीं कहा कि नेकी करेगा तो कबूल करूंगा रद्द भी कर सकता हूँ अल्लाह अल्लाह ताला न भी कबूल करे तो कौन रोकने वाला है लेकिन अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम इस बात को किया है कि वो बंदे के किसी अमल को ज़ाय नहीं करेगा अल्लाह ताला बंदे के अमाल को ज़ाय नहीं करता है तो उसके उसके दस गुना देगा या ज़्यादा भी दे सकता है अल्लाह ताला और लेकिन गुना आए गुना करके आया तो अल्लाह ताला उतना ही गुना लिखेगा और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसकी मफ़रत अपनी तरफ से कर दे उसने तौबा नहीं की अल्लाह ने उसको माफ़ किया ये भी मुमकिन है तौबा से तो माफ़ होना ही होना है तौबा से तो माफ़ होना ही है वहाँ यानी ये नहीं कि चाहे तो माफ़ करे चाहे तो ना करे अगर तौबा सच्ची है अल्लाह ताला यकीनन माफ़ करेगा क्योंकि अल्लाह का वादा है लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बंदा ने बंदे ने तोबा नहीं की अल्लाह अपनी रहमत से उसके दीगर आमाल को देखते हुए या अपनी तरफ से अल्लाह ताला वो बादशाह है रब्बुल आलमीन है अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर दे एक नहीं सारे गुनाह को माफ़ कर दे लेकिन यहाँ एक कायद याद रखना ज़रूरी है जैसा कि शेख ने भी मुझको एक मरतबा याद दिलाया था कि आप ये भी बताएं तो मैं आज उसको बता रहा हूँ शेख को भी याद होगा तो वो कायदा ये है कि अल्लाह रब्लमीन के यहाँ सारे गुनाहों के मफफ़रत है अल्लाह अपनी तरफ़ से जैसे मैंने पहले बताया था कि एक नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ताला बाजा अवत इंसान के गुनाहों की मफफ़रत कर देता है जन्नत में डाल देता उसको जैसे एक फ्वाश औरत थी उसने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ताली ने उस एक नक की वजह से उसकी मफफरत कर दी तो बाज़ नकियाँ ऐसी मकबूल होती हैं कि वो सारे गुनाहों की मफफ़रत का ज़रिया बन जाती हैं अल्लाह ताला उसकी मफफ़रत करता है कफ़ारा अलग है मगफरत अलग है नेकियों से गुनाहों का कफ़ारा होता रहता है लेकिन अल्लाह किसी की नेकी से सारे गुनाहों को माफ़ कर दे ये भी मुमकिन है लेकिन उसमें क़ायदा यह है कि सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं शिरक माफ़ नहीं हो सकता है क्यों इसलिए कि शिरक के साथ कोई निकी नकी है ही नहीं लेन अशरकता लहबतल अगर तूने शिर किया तेरा अमल बर्बाद कर दिया जाएगा तो शिर के साथ नेकी नफ़ा नहीं देती है और शिरक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरान में इसकी मगफ़रत के बारे में साफ़ कह दिया इलाफफ़िर कभी ही व गफफ़िर मदून अजाल कलीम शाह कि अल्लाह ताल्हलाग फिर अल्ला मफफ़रत नहीं करेगा इस चीज़ की इस गुनाह की कि अल्लाह के साथ शिरक किया जाए हाँ शिरक़ से कम तर अगर कोई गुनाह है अल्लाह जिसकी चाहेगा मफफ़रत करेगा वो भी अल्लाह की मशीयत पर है सबकी करेगा ज़रूरी नहीं है अल्लाह जिसकी चाहेगा मखफ़रत फरमाएगा लिहाजा गुनाहगार का मामला अल्लाह की मशियत पर मौकूफ़ है यानी अल्लाह ताला चाहेगा माफ़ करेगा जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ करेगा जिसकी चाहेगा सज़ा देगा जिस इंसान को चाहेगा माफ़ करेगा जिस इंसान को चाहेगा सज़ा देगा गुनाहगारों को ये नहीं कि नेक नेक इंसान को सज़ा दे दे गुनाहगार की बात हो रही है तो शर्क की मफफरत नहीं इसी तरह से शर्क की कबील से जो दूसरे गुनाह हैं शर्क की कैटेगरी के जो गुनाह हैं कुफ्र है या निफाक है ये भी गुनाह ऐसे हैं कि इनकी मगफरत नहीं है ये तीनों गुनाह गुना कुफ्र और निफाक निफाक नफाक कुफ्र कुफ़्रतकदी जो ये तीनों गुनाह हैं शर्क शिरक अकबर इनकी मगफरत कतान गुत नहीं है आदमी हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा तो ये भी याद रखें तो एक इंसान अगर नेकी लेकर आ गुनाह लेकर आता है तो अल्लाह ताला उसका उतना ही गुनाह लिखेगा और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला अगर वो मोमिन है तो अल्लाह ताला उसकी मफफ़रत कर दे तो ये बहुत ही प्यारी हदीस थी जिसमें हमने ये चार बातें देखी अमल करने वाले के अतबार से और नीयत करने वाले के अतबार से इसमें कि अल्लाह किसी नेकी को ज़ाय नहीं करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी गुनाह करने वाले पर उसके गुनाह से ज़्यादा उसको सज़ा नहीं देता है बल्कि उस पर उतना ही गुनाह लिखा जाता है जितना उसका अमल है लिहाजा इंसान को हमेशा अल्लाह आलमीन से उसने जन रखना चाहिए और आमाल के सिलसिले में हसास होना चाहिए अपनी नीयतों को सही करना चाहिए गुनाहों की नीयत अगर की है उसको तर्क करना चाहिए अल्लाह के लिए ये मुराद नहीं जबरदस्ती गुनाह की नीयत करे इसलिए कि वो अच्छी चीज़ नहीं है अगर ये महमूद होता तो नबी सल्ला वसलम इसकी तरगीब देते हैं कोई आदमी अक़ल चलाए कहीं माशाल्लाह बैठे बैठे काम करते गुनाहों की नीयत करते हैं और फिर अल्लाह के डर से उसको छोड़ेंगे ये जाहिल है क्योंकि नबी सैसा करना सिखाया नहीं है और अक्लमंद अगर होता तो गुनाह की नीयत करके छोड़ने की बजाय नेकियों की नीयत करता उतना ही वक्त उसका खैर में लगता है ताकि उसको उसका स्वाब मिलता क्योंकि उसमें एक ही स्टेप इसमें दो है याद रखें इसको नेकी की नियत करने में एक ही काम है नेकी की नियत करो लेकिन गुनाह की नियत के बारे में दो काम है गुनाह की नियत करना नियत को छोड़ना तो खवा मखा क्यों आदमी जाए नियत करा और मर गया तो क्या करेगा यहाँ तो नियत नेकी की करके मर जाए तब भी खैर है तो कोई ऐसी अकल न चलाए बात शैतान इस तरह की भी धोखे इंसान को देता है तो ये हदीस हमने समझी आइए हम अगली हदीस को समझने की कोशिश करते हैं जो कि एक बहुत ही अहम हदीस है और बाद लोगों के समझने में इसमें बड़ी मुश्किल पेश आती हैं और कुछ लोग इसकी वजह से इस हदीस को ग़लत समझ के गुमराह भी हुए और ये हदीस विलायत हैं इस हदीस में विलायत के हसूल और नतायज, उसके नतज़ उसके लवाजमात को ज़िक्र किया गया है आइए हदीस के अल्फाज देखते हैं عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمع سمعه الذي يسمع به. व बस रू अल्ली युब शुरु व यदी युब तशु बिहा व रिजलहू अल्लति यमशिहा वन सानी आतीत वलअनी लवाबुरी अबू हुरी अल्लाह तुम से रवायत फ़रमाते ही प्यार रसूल सल्लासम नेत फ़रमाया अल्ला तल्ल त्ल्ल्ला फ़रमान है अल्लाह फरमाता है जो मनाआली वली जो मेरे किसी वली से दुश्मनी कर बैठे जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे फकद आदन तब बिलहरब मेरा उसके साथ जंग का ऐलान है वमा तकर्रब इ अबदी बिशन अहब्ब इै मम अरत बंदा मेरा तकर्रब किसी चीज़ से वैसे नहीं कर सकता है जैसे उन आमां से कर सकता है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ किए हैं वमान तकर्रब इबदी बन अहब्ब इैया मम अफरत सबसे ज़्यादा महबूब मुझको ये है कि बंदा फ़राज़ से मेरा इख्तियार करें इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं फ़राज से बढ़ के मेरा तकरब किसी चीज़ से बंदा हासिल करने की कोशिश करें हो ही नहीं सकता है फ़राज़ सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक महबूब हैं और इसका तकर्रब सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक महबूब है वला ज़ाल अबदी ये तकर्रबिल बिन नवाफिल हतिब्बहू और बंदा मेरा बंदा मेरा तकर्रब मेरी नज़दीकी नवाफिल के ज़रिए से हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ महबूब आमाल का करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है एक वक्त ऐसा आता है मुसलसल नवाफिल का अहमाम करता रहता है यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ फ़ीदा अहबब तो हूँ फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ कौन तो स मै लदी यस मै तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुने जिससे वो सुनता है वह बस रदी अब सर उबही और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो उसकी बीनाई बन जाता हूँ जिससे वो देखे व यह दहुली व यह दहुल्लती यब और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़े थामे वरज वरिज लहुल्लती यम शबा और उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चले व इसनी अत हो और अगर वो मुझसे मांगे तो मैं मुझसे वो अता करता हूँ मैं उसे अता करता हूँ व वनस्तनी लैदन हूँ और मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे पनाह देता हूँ इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने रवायत किया है सिर्फ़ बुखारी ने इसको रिवात किया है आइए इस हदीस को और बहुत से लोगों के लिए हदीस मुश्किल है अहले इल्म में इसको देखिए इंसान की नीयत अगर सही समझने की हो तो कोई गड़बड़ नहीं होती है वरना आदमी की चाहत अगर गलत हो उसके दिल में अगर टेढ़ हो तो उसके उसकी समझ में सारी बातें उल्टी आती हैं अगर सही तौर से समझने की कोशिश की जाए तो सब सही समझ में आता है मन आदली वलियन सबसे पहली बात क्या है पहली बात हदीस में है जो मेरे किसी वली से दुश्मनी मोले दुश्मन बन जाए मेरे किसी वली का तो क्या फरमाया फ़कत आदन तो हो बिलहरब मेरा उसके साथ अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा उसके लिए जंग का ऐलान है अल्लाह का वली कौन है अल्लाह का वली कौन है इबन तयम रहा फ़रमाते हैं वलवायत और इबनतमिया ने वला और वलाय में फ़र्क़ किया है लगत के अतबार से अलव कहते हैं अलव ज़िद अदावा वसलोलवालायतः अलमहबतो वब कहते हैं वलायत या हमारे विलायत उसको कहा जाता है कहते विलायत अदावत की ज़िद है अदावत दुश्मनी विलायत उसकी ज़िद है दोस्ती व असलोलवायत अलमहबो वर्ब और विलायत की असल महबत और नज़दीकी है विलायत की असल महबत और नज़दीकी है अल्लाह किसी से महबत करता है उसे अपना मुकर्रब बना लेता है नज़दीकी बना लेता है करीब बना लेता है फतवा जिल्द ग्यारह सफ़ा नंबर एक सौ साठ अल्लाह ताला ने विला, वली कौन होता है अल्लाह ने क़ुरान करीम में भी इसको बयान किया अल्लाफन ला वालाजनून ख़बरदार अल्लाह के अलिया उनका उन पर ना कोई खौफ होगा और न वमगन होंगे अल्लादीन आमनु व वकान तकून ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहें परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारते रहें यूनुस आयत नंबर चौंसठ इस आयत में अल्लाह ताला ने बतलाया कि किलिया के लिए आखिरत में खौफ वम नहीं खौफ मुस्तबल का गम माजी का माजी और मस्तबल दोनों की परेशानी दूर उस सुकून और चैन से खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे जन्नत में उनकी अलामत क्या है अल्लादीन आमनु वकान या तकन वली कौन होता है बगैर कपड़ों के घूमने वाला चरस गांजा पीने वाला गंदा रहने वाला नजासत में लौटने वाला गालियाँ देने वाला अजीब अजीब ऊट पटांग बातें करने वाला नहीं वली कौन होता है अल्लाह ने कर्न करीम में बड़ा इस बताए इससे बड़ी बड़ी कौन सी किताब है अल्लादीन आमन वकान तकून दो बातें अल्लाह ने बयान की वली होने के लिए दो सिफात हैं एक वो ईमान वाले थे वो ईमान ले आए यानी सही शहीदा थे उनका अकीदा सही था तोहिद नहीं तो ईमान ही नहीं वन अख्तर हम बिल्लाकून अल्लीन आमन वलमिस ईमान ईमान वाले थे ऐसा ईमान जो शिरक और कुफर और निफाक से पाक हो और दूसरे वकान या तकून उनकी अमली ज़िंदगी तकवाश्यार थी परहेजगार थे उन बुराइयों से बचते थे हर उस चीज़ से बचते थे जिससे अल्लाह नाराज़ होता है तो जिनका अकीदा सही और जिनके अमाल में परहेजगारी ये दो चीज़ें अगर किसी इंसान में हैं तो जिस दर्जे में ये उसमें हैं उस दर्जे का वल्लावली है एक है वलायत आमा और एक है वलायत कसाह फिर जब आला दर्जे का ईमान और आला दर्जे के का तकवा उसकी ज़िंदगी में हो परहेज़गारी हो तो ऐसा इंसान आला दर्जे का वली होता है जो खसूसी विलायत अल्लाह ताला की है तो ये वली है अल्लाह का यूँ ही कोई वली नहीं बन जाता अल्लाह का अजयबाद अजीब अजीब काम करने वाला अजीब बातें बयान करने वाला इबन रजा बरमल फरमाते हैं व अवलियाल्ला

अलमुक्त तरद हिम व इबाया दि मिनहू और अल्लाह के दुश्मन कौन हैं अल्लाह के दुश्मन वह हैं जिन्होंने अल्लाह जिन्हें अल्लाह तूर कर दिया है उन आमाल की वजह से जो अल्लाह ताल के यहाँ धुतकारे जाने और अल्लाह से दूर करने वाले अमाल हैं जिसको इस लायक बनाते हैं कि अल्लाह उनको धुतकार दे मानू कि अल्लाह का क़ुरब या अल्लाह से दूरी आमाल होती है कि आदमी अमल करके अल्लाह के करीब बनता है वस वक्तरब या फिर बुराइयाँ करके अल्लाह से दूर हो जाता है गुनाह करके तो एक इंसान आमाल की वजह से कुर्ब हासिल करता है तो वली वो होता है जो उन आमाल का अहतमाम करता है जो अल्लाह से करीब करने वाले हैं और अल्लाह ने उसको बताया कि कौन से अमाल अल्लाह से करीब करने वाले हैं अपने रसूल के ज़रिए से सल सल्ला वम आगे आएगा वह साल आल कहते हैं والولي عند أهل السنة والجماعة عرف بأنه يعني عرفه بعض العلماء, بعض العلماء بأنه كل مؤمن تقي ليس بنبي ولي كان هو تاهي كاتهي كي استلاه من علماء ولي كان هو تاهي اسكي باري من بتايا حرو مؤمن جو متقي هو جو نبي نا هو اسكو ولي جاتا ہے. क्योंकि अम्बिया भी अल्लाह के वली होते हैं लेकिन वली से बढ़ के मरतबा है नबूत और रिसालत का तो वो तो और भी ऊपर हैं, वो तो उनकी और बड़ी फजीलत है जो इन वलियों को हासिल नहीं है तो वाकई वली जो कहा जाता है उसको जो हर मोमिन मुतकी जो नबी ना हो उसको क्या कहते हैं वली इब्न कसी रहमे फरमाते हैं फकुल्ला हर वो शख़्स जो परहेज़गार होगा मुतकी होगा वो अल्लाह का वली होगा मालूम है कि अल्लाह का वली बनने के लिए अल्लाह की हराम की भी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है यानी कि आदमी नाच गानों में मसरूफ़ रहे औरतों को भी छुए और हराम खाए और सब दाढ़ी मूंडे और सब कुछ करें और अल्लाह का वली और सिगरेट पी रहा है अल्लाह का वली तो बोले अल्लाह के वली अभी अल्लाह के साथ जो है ताल्लुक़ में है अभी सिगरेट पीते हुए नाच गाने सुनते हुए शर्म आना चाहिए लोगों को तो अल्लाह कवली कौन है जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बचने वाला हो इसको अल्लाह वली कहते हैं इब्न कसीर ने यूनुस की तफसीर में ये बात कही है इब्न हजर रम फ़रमाते हैं बहुत प्यारा जुमला है कहते हैं अलमुरा बी वली लाही अलिम बही अलमवाब अलाताती हीम सुफ़ी इबादती ही मुख्तसर बहुत जामे है फ़तुलबारी में किताबर में बाबो तोाव में उन्होंने इसको ज़िक्र किया है कहते हैं वली से मुराद क्या हैं कहते है, वली से मुराद वो शख्स है अल्लाह का वली शैतानखा भी हो सकता है अल्लाह का वली कौन है अल्लाह का वली वो है नंबर एक अल्लाम बिल्ला जो अल्लाह को जानता हो अल्लाह की ात की मारफत उसको हो अल्लाह के हकूक़ की, की मारफत उसको हो अल्लाह रब्लॉलमीन का तारफ़ उसको हो अल्लाह को पहचानने वाला हो सबको पहचानता अल्लाह को नहीं पहचानता वली कैसे हो गई अल्लाह का वली अल्लाह को पहचानने वाला होता है अल्लाह की किताब और सुन्नत के जरिए से और कायनात में गौर ही, अल्लाह की फर्मा बरदारी पर दायमन अमल करने वाला कभी कभार जुमा को आगे नमाज के लिए नहीं बल्कि हमेशा पाबंदी के साथ अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाला अल्लाह के हुक्मों को तो कोई ना कोई पूरा करता ही मुसलमान लेकिन वाकई वली अल्लाह का वह है जो पाबंदी के साथ अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता हो अल्मा गिबो अलाकायत ही तीन अल्मल सफ़े इबादत ही अल्लाह की इबादत में मुखलस सारी इबादतें सिर्फ़ अल्लाह के लिए करने वाला इबादत करके लोगों की तारीफ़ और दुनिया की चीज़ें हासिल करने के लिए करने वाला वाह वाह के लिए अमल करने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता क्यों ये अल्लाह वाला है ही नहीं अल्लाह के लिए करता ही नहीं है ये तो लोगों वाला है ये मखलूक वाला है, खालिक वाला नहीं अल्लाह के लिए अमल करने वाला तो अल्लाह का इल्म अल्लाह की तयत्स यानि मारफत तयत् और इखलास। ये तीन चीज़ें जिस इंसान के अंदर जिस दर्जे में हों वो अल्लाह का उस दर्जे का वली है इमाम शाफी रहमत फ़रमाते हैं इधार आई तुम रजुल्ला सुनिए इसको इदार र आई तुम रज उलामशिया हवा फ़ला तक भी ही अगर तुम किसी आदमी को देखो पानी पे चलता है बाबा और हवा में उड़ता है धोखा मत खाओ धोखा मत खाओ हता तम रहूँ अलल किताबी व सुन्ना धोखा मत खाना उन चीज़ों से अजायबाज से जब तक कि तुम उस आदमी को के मामले को उसकी ज़िंदगी को उसके कौल और अमल को किताबस पर पेश न करो ये नहीं कहा वो मस्तान होता है कहाँ शरीयत उस पे वो तो आगे निकल गया बहुत इमाम शाफी को नहीं मालूम इमाम फरमाते हैं खाओ इतने सारे अजायबा करने के बावजूद भी वो धोखेबाज हो सकता है शैतानी अमाल करने वाला जादूगर हो सकता है सुनना यहाँ तक कि तुम उसके मामले को किताब सुन्नत पर पेश करो किताब सुन्नत की मुताबिक उसकी ज़िंदगी है मुमकिन है वह अल्लाह का वली हो यकीनी तो हम बोल नहीं सकते हैं गुमान है लेकिन अगर किताब सुन्नत ज़िंदगी में नहीं है और यहाँ से नोट निकाल रहा है वहाँ से नोट निकाल रहा है और ख़बरें दे रहा है लोगों को और न जाने क्या क्या कर रहा है हवा में उड़ रहा है पानी भी चल रहा है ऐसा आदमी अल्लाह का वली नहीं हो सकता ये शैतानी अमाल करने वाला जादूगर है तो लोग चूँकि कुरान का काल नहीं रखते वो इसी चीज़ से धोखा खा जाते हैं अलिदाव नहाया जल तेरा सफ़र नंबर दो सौ सत्रह हदीस के अल्फाज ही तो वली की तारीफ़ हुई लेकिन वली के बारे में बताया गया कि वली से दुश्मनी हलाकत का ज़रिया है ये हम लोगों के लिए जो सीधे साधे लोग हैं कि अल्ला वालों से हम दुश्मनी ना बोलें अब अल्लाह वाले वो नहीं जिनको दूसरे कहते हैं वाकई अल्लाह वाले कौन जो अल्लाह वाले हों अल्लाह की रवा अल्लाह की तोहद और अल्लाह की मर्ज़ियात शरीयत की पाबंदी किताब सुन्नत वाले अखलास और इतबा वाले ये अल्लाह के वली हैं ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाया मन आदा अली वली फ़क़त आदन तो हो बिलहरब जो मेरे किसी वली से दुश्मनी मोले दुश्मनी करे ख़्वाहिश की बुनियाद पर हो उससे दुश्मन हो जाए आदा दोनों तरफ से दुश्मनी के लिए भी आता है मा ने कहा कि इसकी भी गुंजाइश है जैसे अल्लाह का वली भी उसका दुश्मन हो और ये उसका दुश्मन है अल्लाह का वली क्यों दुश्मन है शरीयत की बुनियाद पर साहबा की शान में गुस्ताखियाँ करता है जैसे राफिद हैं या बिदाती है या गुनागार है और लोगों पर जुल्म करता है तो अल्लाह का वली एक नेक बंदा उससे नफ़रत रखता है उसका दुश्मन है उसको पसंद नहीं करता है और वो भी उसके साथ बदतमीज़ी करता है वह भी उस पर जुल्म करता है तो ये दोनों जानबैन से अदावत हुई तो कहा और कभी ऐसा भी होता है कि वली की तरफ से कुछ नहीं है दरगुजर का मामला और इसकी तरफ से उस पर जुल्म है मदली वलियन इसलिए शुभ आबाद ने कहा कि आदा है तो दोनों तरफ से होगा मामला तो इसकी क्या सूरत हो सकती है तो ये सूरत हो सकती है तो कहा कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी मोले दुश्मन बन जाए उसका तो मैं मेरी तरफ से उसके लिए जंग का ऐलान है इबन रजब रह फरमाते हैं फलियाल तजिब मिलातु हम व तहरम माहात हम अल्लाह के अलिया उनकी उनसे महबत और दोस्ती वाजिब है बादल लोग कहते हैं तुम लोग अलिया को नहीं मानते भाई अलिया को मानते हैं लेकिन चरस गांजे वालों को नहीं मानते हैं नंगे नाचने वालों को हम नहीं मानते हैं वैसे ही जैसे कोई आदमी कहे तुम लोग ईसा सलाम को नहीं मानते हम ईसा सलाम को मानते हैं अल्लाह का बेटा नहीं मानते अल्लाह का रसूल मानते हैं तो मानना कैसे माना जाए जैसे तुम बता रहे वैसे माने जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने बताया उसे माने जैसे हमारे सहाबा और असलाफ़ ने बताया वैसे माने तो मानने की सूरत क्या है ये तो तय हो सही मानना गलत मानना भी तो हो सकता है तो अलिया को माना जाए इब्न रजब अल्लाह फरमाते हैं फ अलियाल्ला तजबो हम व तहर मददात हम अल्लाह के अलिया से महब्बत और दोस्ती वाजिब है और उनसे दुश्मनी हराम है दुश्मन मत बनो क्यों अल्लाह की तरफ से जंग का ऐलान है इसमें सारे मुहदसिन फ़कहा और जितने भी अल्लाह वाले हैं सालहीन वो सब दाखिल हैं इसके अंदर उनके साथ दुश्मनी नहीं मोलना, अपनी आखिरत ख़राब नहीं करना दुनिया भी ख़राब होती बाज़ात जैसा कि आगे आएगा कमा अन आदा अहू तजीब तो हम व तहरुम माला तो हम जैसा अल्लाह के जो दुश्मन हैं उनसे दुश्मनी वाजिब है और उनसे दोस्ती हराम है जो फुस्साक हैं फुजार हैं दीन के दुश्मन हैं दीन के दुश्मनों से अल्लाह के दुश्मनों से कैसे दोस्ती कर सकता है आदमी अपने घर वालों के दुश्मन से नहीं करता है तो अल्लाह के दुश्मन से कैसे करेगा दोस्ती तो ये भी अल्लाह की महबत का तकाज़ा है कि अल्लाह जिससे बग्ज़ रखे बंदा भी उससे बुग्ज रखे जो अल्लाह के दिन का दुश्मन हो आदमी उसका दुश्मन हो उसके साथ क्या करे वो शरीर के ताबे हैं लेकिन दिल में उसके लिए अदावत होना चाहिए उससे खुश नहीं होगा जो अल्लाह के दिन का दुश्मन होगा अल्लाह का दुश्मन होगा وعدوكم फरमाते हैं اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے فرمایا کہ میرے اور خود تمہارے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت बनाओ ये सुर है अलमतःना में अल्लाह ने आयत नंबर एक में फरमाया कि मेरे और तुम्हारे जो दुश्मन हैं जो अल्लाह के दुश्मन हैं और ख़ुद ईमान वालों के दुश्मन हैं उनको अपना तुम दोस्त मत बनाओ यानी कल भी महब्बत उनसे ना हो एहसान हो सकता है किसी पर हो जो उसका मुस्तक हो लेकिन कल भी महब्बत नहीं महब्बत अलग चीज़ है और रहम अलग चीज़ है दुश्मन पे भी रहम आता है कोई आदमी बहुत बुरा इंसान था देखा बुरी मौत मर रहा है आदमी को रहम आता है उस पर बीमार पड़ा हुआ है फ़ला दवा खाने में है आदमी को देख के रहम आता है अगरचे ज़िंदगी भर दुश्मन था अभी भी उसको पसंद नहीं करता उसकी बदखलाक़ी और उसकी बुराइयों की वजह से लेकिन उस पर रहम आता है इंसान को लेकिन ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत भी दिल में पैदा हो महब्बत एक अलग सिफत है रहम एक अलग सिफत है अल्लाह तला सारे बंदों पर बंदों पर दुनिया में रहम फरमाता है और हमको भी ज़मीन वालों पर रहम करने के लिए कहा गया लेकिन महब्बत का मामला अलग है वह खसूस तल्लुक़ होता है जो अपनों से होता है तो ये ये अलग चीज़ है दोनों में फ़र्क है तो इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के अलिया से अल्लाह के दुश्मनों से महब्बत नहीं और अहिल एल में कहा कि अल्लाह के अलिया से महबत होनी चाहिए दुश्मनी नहीं इस ताल्लुक़ से कि अल्लाह के नबी सल्ला और इस फरमार अल्लाह का फरमान है मन मन आद अली वलिया फ़क़ आदन तो जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मेरा उसके लिए जंग का ऐलान है ये जो मामला अल्लाह का है बड़ा संगीन है इस त्लुक से भी कुछ चीज़ें देखते हैं जो अख़ीर के अल्फाज भी हदीस के हैं लेकिन शुरुआत ही में उसको देख लेते हैं ताकि मामले की संगीनी और अल्लाह का जंग का ऐलान ये कितना भयानक मामला है ये भी हमारी समझ में आए जाबिर इबन समरा रदी अल्लाह दो वाक़त में बयान करूँगा जो सही बुखारी में मौजूद हैं जाबिर इबन समरा रदी अल्लाह उतन कहते हैं शक़ा अहुलकूफतीदी अल्लाह अहिल कोफ़ा ने सद रदी सदनबी रदी अल्लाह तिकायत की हज़रत उमर रदी तैय अ वस्ती तो रदील्ला तजरत साद को माजूल कर दिया उनकेदे से हटा दिया और उनकी जगह हज़रत अम्मा को वहाँ पर तय कर दियामेदार बनाया फ शक्त करोसिनसली लोगों ने ऐसी शिकायतें कर दी यहाँ तक कि यह भी बोल दिया कि अच्छे से नमाज भी नहीं पढ़ाते अच्छे से नमाज भी लोग ऐसा भी करते हैं नेक लोगों के सिलसिले में ऐसा होता है अन उल उसन वसली फ़अरसल हतम रदी अल्ला के पास आदमी भेजा हज़रत सयाद के पास वक़ा लबा इसहा उलाज़ अबून अन कला तोहसिन तसली कहा कि अब इसहाक उनकी कुरियत है लोग ये कह रहे हैं कि तुम अच्छे से नमाज़ भी नहीं पढ़ते हो खाला अबू इसहा इन कन् तो वह सलासूल सल्ला मा आखरीमानहा का के यानि अल्लाह की कसम जहाँ तक कि मेरा अपना मामला मैं जानता हूँ ये है कि मैं उन्हें तो वही नमाज पढ़ाता हूँ जो अल्लाह के रसूल सल्लासम पढ़ते थे और मैं उसमें ज़रा भी कोताही नहीं करता जैसी प्यारे रसूल से हमने सीखी नमाज़ वैसी पढ़ाता मैं उलात उलात इशाई फ़ फिल कुलायनी व ओफ़ फिल फिलुराय ईशा की नमाज़ में पढ़ाता हूँ पहली दो रकतें लंबी पढ़ाता हूँ तवील और दूसरी मुख्तसर अब ऐसे पढ़ाता हूँ अगर मेरे ऊपर ऐब लग रहा है तो ये ऐब है कि लंबी पढ़ाता हूँ दो रकतें और दो रकतें हल्की हतमर ने कहा क़ालबिक इस हाँ। कहा इसबा इसहा मेरा तुम्हारे बारे में यही गुमान था मेरा तुम्हारे बारे में यही गुमान था मुझे गुमान था तुम यही करोगे व अरसलमायज उजाअल्कूफ़ा फिर उनके साथ एक या कई आदमियों को भेजा कोफ़ा की तरफ़ व स अल हो अहल्कूफ़ा और वह आदमी या वो लोग अहल कोफ़ा से पूछते जाते थे कि क्या बोलना है इनके बारे में क्या बोलना है इनके बारे में वलम यदा मस्जिद हो कोई एक मस्जिद भी कोफ़ा में ऐसी नहीं छोड़ी कि इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया क्या बोलना है इनके बारे में कैसे हैं ये शायद रदी अल्लाह तु वयुस ना मरूफअ सब के सब उनकी तारीफ़ ही करते थे हत तख़ल यानी बहुत थोड़े लोग थे जिन्होंने उनकी शिकायत की थी और बाकी सारा जो मामला था सारे लोग जो कोफा में थे वो तारीफ़ ही करते थे मस्जिद वाले मस्जिद वाले तारीफ़ करते थे हत तख़ल मस्जिद ली बनी अब्स यहाँ तक के वो शख्स जो तहकीक़ के लिए गया था و بني ابس کی مسجد میں گیا. فقام رجل منهم ایک आदमी يقال له وسامة بن أسامة بن قتادة يكنى ابا سعدة ایک بن جس کا ابن قتادہ تھا اور اس کی ابو سعدة تھی قال اما اذ نشدتنا فان سعدا كان لا يسير بالسريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه सुबहानल्ला उसने कहा जाए देखो अब बोलना तो नहीं चाहता आदमी बोलने वाला कैसा बोलता है बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन अब आपने पूछा है तो बताना पड़ेगा तो अब जब तुमने पूछा ही है तो सुन लो बता रहा हूँ क्या कहते हैं साद जो है साद रदी अल्लाह तु शिकायत कर रहा है कहा कि साद जो है ये जंग में सरिया में जाते नहीं यहीं रहते हैं और लोगों को भेजते हैं और अदल के साथ इंसाफ से माल लोगों में तकसीम नहीं करते और जब कज़ा करते हैं फ़ैसला करते हैं दो लोगों के बीच में तो उसमें भी इंसाफ़ नहीं करते हैं उसमें भी अदलो इंसाफ़ नहीं करते लोगों को बेचने खुद जाते नहीं जंग में दो लोगों में माल तकसीम करते तो बराबर नहीं करते सही ढंग से नहीं करते और तीन ये लोगों में जब फैसला करते हैं तो फैसला भी अदल के मुताबिक नहीं करते तोहमत लगाई अब तक तो ये बात नहीं आई थी अब ये भी बात उसने बोल दी खाल सायदा अब देखिए अलाम सब की हिफाज़त फरमाए कला सदन अम्लाबी सहा की कसम मैं तीन बदुआएँ तुझको देता हूँ तीन इज़ाम लगाए ना मैं तीन बदुआएँ तुझको देता हूँ अल्ला लेकिन देखिए सहाबा कितने अदल वाले थे कितने नेक दिल लोग थे वो मजलूम होने के बावजूद भी ालिम नहीं बनते थे बाद अवतुत मज़लूम ख़ुद िम बन जाता है बदला लेने का वक्त आता है तो बहुत से मज़लूम ख़ुद ालिम बन जाते हैं कहा kadiban, का ना अब्दु कहा का दिबन का मरिया अनुसुमा का अल्लाह अगर ये जो बंदा है अगर ये खड़ा हुआ है मेरे खिलाफ यानी ये बंदा जो है झूठा है, जो है, है अगर ये अपनी बात में अगर ये झूठा है और ये लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को सुनाने के लिए बस रियाकारी के तौर पर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है फ़ातिल उमरा हो फ़िल हो इसको लंबी उम्र दे इसको लंबी उम्र दे बुढ़ापे तक उसको लंबी उम्र दे विल अतिल हो और इसको बिल्कुल कंगाल और इसको फ़क्र फ़ाक़े में मुबला कर दे व्रिद हो बिलफन और इसको फ़ितनों में डाल दें इसको फितनों में डाल दें बद्दुआ उसके दी कहते हैं वकाना नबैदु इदा यकूल। वो उस आदमी का हाल बाद में हुआ उसकी उनकी बदवा लग गई उसको बाद की उम्र में लंबी उम्र उसको मिली और सो इला यकूल। उससे पूछा जाता क्यों इसे तुम्हारा हाल हुआ कहता था शेख़ उन कबीर उनमफतून असाबतनी दयावत उद कहता था मैं बूढ़ा आदमी हूँ जो फ़ितने में मुबला हो गया हूँ मुझे साद की बदुवा लग गई मुझे साद की बदुवा लग गई कला आब्दुलमलिक रावी हदीस के कहते हैं अब्दुलमलिक फ़ानई तो हो बैद मैंने ख़ुद अपनी आँखों से उसको देखा हूँ बाद के दौर में कद स़ा हा जी बा हु आई नहीं ही आई नहीं मिनल की बर कहते हैं कि उसकी जो भवें हैं इतना बुरा हो गया था कि उसकी आँखों पर उसकी जो है भवें आ गई थी इतना तो गोश्त लटक गया था उसका बुढ़ापे की वजह से दोनों आँखों पर व इन न हो लयतो लिलजवार फ़िर तोरुकी य और बच्चियाँ लड़कियाँ जो रास्ते से जाती थीं उनके उनको जो है यूँ से कचों के उनको लगाता था या उनको इसी तरह से यानी छूता था तो यानी ऐसे बिगाड़ में वो हुआ उसी हाल में उसको उसको मौत आई तो ये बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है इमाम इमामबुखारी ने किताबुल आदान में सात सौ पचपन पर और इमाम मुस्लिम ने चार सौ तिरपन पर इसको रिवायत किया और सियाक बुखारी का है इसे समझ में आता है कि बाज़ नेक बंदे अल्लाह के मज़लूमी में बाज औकात बदवा दे देते हैं अब आदमी ने कभी बदवा क्यों दिए इंसान जब तड़प के कभी बदवा दे, दे देता है ऐसे लोगों की बदवा से बचना चाहिए बल्कि अल्लाह का वली तो बहुत दूर की बात है एक आम इंसान भी इतदावतमलूम हदीस में आया कि मज़लूम की बदुवा से बच तो अगर कोई आदमी एक आम इंसान व इनका न काफिरन बाज़ रिवायतों में ये भी है अगरचे वो काफिर हो काफिर भी है अगर उस पर जुल्म और उसके या मज़लूम की बदुवा से बच क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान उसकी दुआ के और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता है अल्लाह उसकी बदुवा को कबूल करता है तड़प के अगर वह बदुआ दे दे अल्लाह मेरा बदला तो इससे ले ले या उसके बारे में बेतिन अगर कुछ बोल दे तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह उसको वो सज़ा देगा और जैसा इस इंसान को दिया वो मुसलमान था लेकिन उसने एक सहाबी पर इल्जाम लगाया किसी की इज़्ज़त को ख़राब करना अच्छी चीज़ नहीं है एक इंसान तफरी के तौर पर लोगों में नुमाया होने के लिए आज इस दौर में भी एक बहुत आसान तरीक़ा है कि किसी इंसान को शरीफ नफ्स इंसान को बेज़त करना है ख़ुद कुछ बड़ा बनना है किसी बड़े आदमी पर कीचड़ उछालो अपने आप तुमको मीडिया में कवरेज मिल जाता है फेसबुक पर यूट्यूब पर यहाँ वहाँ तुमको कवरेज मिल जाता है तुमको लोगों की निगाहों में तुम आ जाते हो कि ये भी कोई चीज़ है आसान तरीक़ा क्या है किसी अच्छे इंसान की इज़्ज़त उछालो तो तुम को तुम्हारी बात सुनने के लिए सब लोग तुम्हारी तरफ़ मुतवज्जे हो जाते क्यों इसलिए कि इंसान आम तौर से समाज गंदगी का तालिब होता है एक आदमी किसी की तारीफ़ कर रहा है खड़े होकर तो लोग सुनेंगे नहीं वहाँ पर खड़े होकर लेकिन किसी के अयूब बयान कर रहा है तो काम छोड़ के उसके पास आके सुनेंगे क्या क्या बताओ वापस से लेकिन किसी के बारे में कोई कह रहा कि कोई आदमी फलां काम करता है नेक काम करता है ये काम करता है लोग बोले क्या हुआ बहुत बड़ी बात है साहबा तो इससे ज़्यादा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज़्यादा करते थे हम भी करते हैं उसको उतने ध्यान से नहीं सुनेगा लेकिन कोई आदमी अयूब बयान करना शुरू कर दे मालूम है क्या हुआ उसका मालूम है उसने क्या किया उस दिन काम वाम छोड़ के सब आएगा बताओ ना भाई क्या बात है ये लोगों की तबीयतें भी गंदी होती हैं हमारे क्लूब बिगड़ चुके हैं हमारा समाज बर्बाद हो चुका है और हमारे समाज में ऐसा इंसान परवान चढ़ता है जो सॉलहीन पर तहमत लगाने वाला हो फिर सारे उसूल हम भूल जाते हैं जा बन फ़तः अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई बदकार इंसान तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो तहक़ीक कर लो तहक़ीक़ वग़ैरह हम सब चीज़ें भूल जाते हैं तो इन्होंने बदुवा दी अल्लाह अगर ये झूठा है अपनी बात में और बस लोगों में शोहरत पाने के लिए ऐसा कर रहा है तो अल्लाह इसको लंबी उम्र दे इसको लंबी उम्र दे और इसको फ़क्र फाक़े में मुबतला कर दे लंबा फ़कर व फाका दे इसको और इस इंसान को फितनों में डाल दे यानी इस इंसान के बदकार होने को साबित कर दे लोगों के सामने कि ये बिगड़ा हुआ आदमी था इसके अंदर गंदगी थी उसको सामने लिया लोगों इसको आजमा तो ऐसे हालात में डाल तो कि ये ये बिगड़ा हुआ साबित हो जाए आजमाई जब आती है सोने को आग में डाला जाएगा तो क्या होगा सोना और निखर के आएगा लेकिन गंदगी को डाला जाए तो गंदगी फना हो जाएगी तो एक इंसान अगर अच्छा है जब आजमाइश में पड़ता है उस आजमाइश में निखर के और अच्छा साबित होता है आजमाइशें अच्छे और बुरों को उनमें तफरीक कर देती हैं वलकदता अबिन कबिलिम वलै आलमल्लादीन सदकू वलयालमन्न अलकादबीन हमने पहलों को भी आजमाए हैं, तुमको भी आजमाएंगे तो अल्लाह ताला जान लेगा अल्लाह देख लेगा कि कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं आजमाइशें तफरीक करने के लिए होती हैं अच्छा अच्छा साबित होता है बुरा बुरा साबित हो जाता है अल्लाह इसको फ़ितने में डाल दे यानी एल्ला इसको आज़माइश में डाल ताकि इसका गलत होना लोगों के सामने आ जाए इसका बिगड़ा हुआ होना लोगों के सामने आ जाए उन्होंने बदवा दी उसको और अल्लाह ताला ने उस बदवा को कबूल किया और अल्लाह रबालमी ने उस इंसान को उस बीमारी में उस परेशानी में मुबला किया बे ही जो जो मांगा अल्लाह ने उसको दिया उस मुसीबत में उसको डाला लिहाजा एक आम इंसान की बदवा से तो बचना ही चाहिए ख़ास तौर से उन लोगों की बदवाओं से बचना चाहिए जिनका अल्लाह रबुलमी से ताल्लुक़ है नेक लोग हैं बुराई में नहीं जाते किसी पर म नहीं करते किसी के लेने देने में नहीं हैं अल्लाह और उसके रसूल की बात पर अमल करते हैं इबादत में लगे रहते हैं या दीन का काम करते हैं हैं की इज्जतें तो आज बहुत आसान हो गई उड़ाना किसी के भी बारे में कुछ भी बोल दो बहुत आसान हो गया लेकिन ये नहीं सोचता आदमी कि इस आलिम की बेज़ती करने से इस पर झूठी तहमत लगाने से इसके बारे में बदजुबानी करने से दीन का नुकसान भी होगा कि नहीं होगा और अल्लाह ताला दीन का नुकसान कभी पसंद नहीं करता है लिहाजा ये ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊँगा ये बात इस पर मैं समझता हूँ बात को ख़त्म करना चाहिए और इसके आगे की बात इन हम अगले दरस में देखेंगे और ये बहुत अहम हदीस है इसमें शुबहत भी बाज हैं इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि बे तफस उन शुबहत को हम अगले दरस में देखें अल्लाह रबुलमी हम सब को हर मुसलमान के तल्ल से उसके हक़ूक़ की राययत करने की तोफ़ीता फरमाएँ और खसूस वाले अल्लाम जो भी हैं उन लोगों की इज़्ज़तों की और उनके मामलत की रियायत करने की हम सबको को तोफ़ीक़त फरमाएँ और अल्लाह रब्बुल साहब से उसकी नाराज़गी से हम सबकी हिफाज़त फ़रमाएँ अकुलहदवस्तफ़ी वलकुम